समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, विराट कोहली ना हो तो क्रिकेट किस काम की, ये दुनिया कुर्बान है विराट कोहली पर, अगर विराट कोहली ना हो तो ये जिंदगी किस काम की। खुशी इस बात की कि मेरी टीम इंडिया जीत चुकी है भाई T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, आपको पता है, देखा होगा आप लोगों ने। और दुख इस बात का है कि यार मेरा किंग, मेरा लेजेंड, मेरी दुनिया यार, मेरा दिल सब कुछ, विराट कोहली रिटायर हो गया यार। और सिर्फ विराट कोहली नहीं, माय कैप्टन रोहित शर्मा यार, हिटमैन, और जडेजा, अब बचा ही कौन है यार हमारी टीम के अंदर। विराट कोहली का तो समझो सब कुछ गया, लेकिन विराट कोहली के साथ साथ दो बंदे और चले गए, इंडिया को इनकी बहुत ज़रूरत है यार। अब विराट कोहली गया ना, क्रिकेट देखना खत्म। कौन सी T20 वाली बोल रहा हूँ, 50 ओवर वाले मैच खेलेगा भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा जडेजा, T20 मैच नहीं खेलेंगे बिल्कुल भी, सारी खुशी खत्म होगा यार इसकी वजह से ना। जीतते ही नहीं तो अच्छा था, विराट कोहली ने खुद ने बोला, हमने ये सोचा हुआ था अगर हम जीतेंगे तो रिटायर हो जाएंगे, तो जीतते नहीं, इनको हम देखते तो रहते, अब सिर्फ 50 ओवर वाले मैच देखो, ODI T20 में काम ही नहीं है। वैसे अच्छे टाइम पे रिटायर हुए हैं ये, सब अच्छा बोल रहे हैं, बुरा नहीं बोल रहे। रोहित शर्मा ने करके दिखाया आखिरी में भाई, वर्ल्ड कप जितवा दिया, और विराट कोहली ने भी, अब बस बुमराह रह गया, हार्दिक पांड्या गया हमारा। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग खड़े होते हैं। बैटिंग में विराट कोहली की वजह से जीती है, 76 रन मारे, सारे बोल रहे थे 6 या 7 मैच में विराट कोहली के 75 ऐसे रन थे यार, रन ही नहीं बना रहा था आउट पे आउट, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ करा भाई विराट कोहली ने 76 फाइनल में, और यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना रोहित शर्मा सारे आउट हो गए थे शुरू में। बॉलिंग और फील्डिंग की बात करें तो पूरी टीम यार, पूरी टीम ने अच्छी बॉलिंग करी, फील्डिंग करी। सूर्या कुमार यादव ने जो कैच कराया ना यार, अनएक्सपेक्टेड कैच किया, वहाँ से हम लोग जीते, वरना तो हार चुके थे हम लोग। मेरा ड्रीम था, यकीन करो ड्रीम था, कि विराट कोहली अपनी रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड कप जितवाए, और विराट कोहली ने ये मेरा ड्रीम पूरा कर दिया है, और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं भाई, आ चुके हैं दिल में, आई है ट्रॉफी दिल में। विराट कोहली के जाने से मैं डिप्रेशन में चले गया हूँ, 2 दिन हो गए अभी तक, दुख इस बात का है, जितनी खुशी नहीं है कि विराट कोहली चली गया, रोहित शर्मा गया, क्या होगा, आप कैसे देखेंगे मैच। जो विराट कोहली के फैन है वो कमेंट करें, विराट कोहली वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अंबानी भी बन गया ना मैं, फिर भी वापस नहीं ला सकता अब मैं। एक ट्रॉफी आई है, 3 स्टार चले गए। मैंने मैच के व्लॉग नहीं बनाया, आप लोग बोल रहे होंगे मैच की बातें तो कर रहा हूँ मैं, ना मैंने इंडिया पाकिस्तान वाले मैच का बनाया था, ना मैंने फाइनल का बनाया। मेरे घर में ना टीवी भी नहीं है यार, मैं मोबाइल में देखता हूँ, ये वाले मोबाइल में। अब मैं मैच देखूँ या मैं व्लॉग बनाऊँ, विराट कोहली का मैच देखना जरूरी है यार। ये चीनी आ गई मीठे में, बोला किधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मुँह मीठा करो, इंडिया जीत गई थी ना, मुँह मीठा करो, चीनी से करो, चीनी से भाई, मिठाई विठाई नहीं है, खा लो खा लो खा लो, गंजी इधर तो आओ। वो दिन भी क्या दिन थे यार, देखो गाय खड़े होती थी, आज बाइक भी खड़ी है, देखो यार ये एसी का एसी रह गया छपड़ा। विराट कोहली के नाम का है क्या, नहीं है भाई, विराट कोहली के नाम का देख रहे थे, विराट कोहली के नाम, अंकल विराट कोहली के नाम का बन सकता है, बनाते हैं किसके अंदर, यानी कि चावल के दाने में भी है, 150 रुपये का यार, विराट कोहली के नाम का लिखवाना है, विराट कोहली के नाम। लगता है लोग दूध से नहा रहे धो रहे हैं, पानी वानी नहीं आ रहा लोगों घर में ना, इससे ही काम चल रहा है, देखो लाइन, और वो देखो आप कितनी बार भर के टंकियां जा चुकी हैं। ये दूषित पकड़ दे भाई मुजम्मिल डेयरी से, देख रहे हो एम, और ये रिश्तेदार आ गए भाई, काले काले रिश्तेदार, काले काले रिश्तेदार हमारे जलने वाले, बस निकाल यार, कल ही निकलते, मौसम अच्छा हो रहा है ना, कल ही वल्ली भरो, सब्सक्राइबर जाएंगे तो इसमें जाऊंगा बस में, अगर सिर्फ मैं जाऊंगा तो इस कार में जाऊंगा तो इस कार में। दिन में भी अंधेरा छा गया यार, एक तो ये तार है ना, सही से मौसम भी इंजॉय नहीं कर सकते, आसमान को देखो, ये तार ही तार हर जगह, बारिश होने वाली है, उसके लिए इंतजाम करता हूँ और कहीं ना कहीं निकलते हैं। चल भाई चल भाई चल भाई, धक्का लगा रहे हैं, यूट्यूबर पैदल चल रहा है, देख रहे हो, ये ATM आ गया, बैंक आ गया, नहीं ले अपना, ले जाइए, मैं पैसे निकाल रहा हूँ, आ जा, चलो यार आज नई गाड़ी चला दूँ क्या, बोल ले लेते हैं, अबे आ जा, ये रहा बैंक में निकलवा रहे थे अपनी यूट्यूब इनकम यार, मसला थोड़ी है, तो टंकी लोड करवा ले भाई, ताकि घूमे फिरे, गरीब वाली हालत हो गई है, ये देखो ये देखो, धक्का लगा लगा के अभी बाइक ही दूसरी लेने पड़ेगी मेरे को ना। ये चेक करो भाई, गीला गीला रोड हो चुका है, बारिश स्टार्ट हो गई और वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, आगे देखो वहाँ पे गाड़ी जाने नहीं दे रहे, सारे यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं, ये तो बिजली का हो रहा होगा, ये तो गैस का हो रहा होगा, ये तो पानी का, तुरंगी ढाई नंबर पे देखो, ये फड्डा होगा फड्डा होगा फड्डा होगा, इतने अच्छे मौसम में ये एहतजाज हो रहा है, वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, ये चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, सारे चढ़ा रहे हैं भाई, दोबारा करो यार टिक्का पार्टी, तो व्लॉग व्लॉग डिलीट हो गया, बाकी डिलीट हो गया, उस व्लॉग में जितनी जिल्लत हुई थी ना, अच्छा बता कितनी मेहनत करी थी, जियो जियो पाकिस्तान है, बड़ी पंचायत हुई थी, हमने छत पे करी थी ऊपर इनके घर पे, अब ना 2025 वाली में करना पड़ेगी मुझे लग रहा है ना, ये तुम्हारा बकरा है ना ऊपर, वो काटना पड़ेगा, यहाँ टिक्का बोटी बनाई थी यार हम लोगों ने ना, देखो ये काला पीला हुआ सिकड़ी लगाई थी, पत्थरों पे नहीं बनाई थी, दोबारा कर भाई दोबारा, गोश्त खत्म हो गया क्या है, बहुत है, अभी तो बाटा करो ना, छाई नब्बे केस है, अबे फ्रिज में रखी हुई भी रखा है, सुनो सुनो, मैंने तो सारा बाटा है, वो जो मैं उस दिन लाया था बारबेक्यू के लिए, वो खरीद के लाया था, मेरी भी सुनो,
अपने फ्रिज का रिकॉर्ड लगवा लो। हाँ हमारे फ्रिज का रिकॉर्ड लगवा लो। अबे हमारा फ्रिज खुद इतना सा है, उसमें कितना कुछ आएगा। सलाम वालेकुम खर्जीत भाई, प्रोग्राम बढ़ गया देख लो आपकी वजह से। मेरी वजह से क्या बढ़ा? मैं डिलीट हो गया यार ब्लॉग पूरा। नहीं कटाया। अबे यार इतनी मेहनत करी शर्जील भाई ने, ये लगाए थे पंखे वंखे इतनी अच्छी बनाए अपने हाथों से, अब इनको काटो पीटो। ये क्या है? चिकन की बनाते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ कौवे उवे क्या है, मुर्गियाँ उर्गियाँ। ठीक हो, व्लॉग देख दो, क्या बोलते हो मेरे को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो मुझे? अबे 10 रुपए किस लिए दिए थे मैंने? अबे मैंने 5 रुपए इसको दिए थे। तो बुलवाओ ना। अबे बोल रहे मुझे मैं चीमो चीमो चीमो। हाँ ये फैन है भाई, हर जगह फैन है आपके भाई के। कहाँ से आए हो? हम बहुत बड़े फैन है तुम्हारे, हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए? वाह यार, मैंने 10 रुपए दिए थे, इतने 100 वाली बात बोल दी। ये पेंटी कॉलोनी भाई, चेक करो ये पेंटी कॉलोनी में कितना सुकून है भाई। देखो कोई हड़बड़ी नहीं है हमारी तरफ तो भाई। तुम्हें पता है क्या होता है हमारे कल्लू चौक पे कुरंगी में? फुल सर पे बादल आए हुए। मुदम्मिल भाई क्या लेके आ गए ये? ये हमारा जोजो है। जोजो? अरे वाह, इसको अपन ने बारबेक्यू में कुर्बान कर दिया था। अबे व्लॉग डिलीट हो गया वाला। हाँ बारबेक्यू वाला। हाँ नजर लग गई। देखो यार आपने इतनी मेहनत करी थी उसके अंदर, कितनी अच्छी बनाई थी। इतने सारे टेक दिए तुम्हें हमने, इतने सारे टेक दिए सारे। ये बकरे को हमने गिराया विराया था, मैं कसाई भी बना था। चलो आप लोग देख लो, मेरे पे थोड़ी थोड़ी वीडियो पड़ी है, वो लगा दूं इसके अंदर, ऐड कर दूं। मेरे दोस्त के मोबाइल से व्लॉग बना था, आप देखो यार हमने कैसे बनाया था, क्या करा था, देखो जाओ जल्दी जाओ। कोई जवाब नहीं है भाई, बेहतरीन बनी है, मेहनत रंग लेके आई है, मेहनत करिए इनके ऊपर, बोटियों के ऊपर भाई। सारा काम हमने किया है भाई, मजा आ गया। कैसी बनी है भाई? बेहतरीन। और सजील भाई कैसी? VIP कैसी लगी? कैसी आली? बहुत टैंड है। हाय मल, बिल्कुल आपकी तरह। ओए ओए ओए। हाँ भाई ओके की भी। चलो भाई भारत हम लोग, ठीक है ये बोटियां चेक करो भाई, हमारी फुल जूसी मसालेदार कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। चलो देखो क्या हाल करा हम लोगों ने। ये छोटा है, छोटा देखिए मुझे मिल भाई मेरी तरह। अच्छा ये छोटा है, ठीक है ठीक है, 3 महीने का है, ठीक है। अच्छा ये तो 2025 के लिए तैयार हो रहा है। कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। बच्चा चेक करो, नस्ल चेक करो, माशाल्लाह से पिंक बच्चा है बिल्कुल, देख लो यार। घर पर आ चुके हैं, पीएनटी कॉलोनी से काले काले बादल आंधी आने वाली है। 8:01 PM ये क्या जा रहा है भाई मेरे अंदर, ये क्या क्या जा रहा है भाई? ये चेक करो भाई, अपन आया भाई इंटरव्यू देने के लिए, यानी कि पॉडकास्ट जहाँ पहले आया था मैं, तो आपको ये दिखाता चलो वही सीन चल रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सर भाई, ये क्या हुआ था? प्रोग्राम बढ़ गया था मैंने सुना है, ये लोग इंतजार कर रहे थे मेरी ऑडियंस की पॉडकास्ट आएगी, पूछ पूछ के परेशान कर दिया मेरे को कि कब आएगा इंटरव्यू, कब आएगा, क्या हुआ था सीन? मसला ये, हम रहते कराची के अंदर हैं। हाँ तो हमने अंदाजा है कि क्या क्या सुविधा ने बस आपकी पॉडकास्ट की है जी। इसके बाद हमारी एक थी हमारे साथ ना, अच्छा एक और करने का थे, एक और पॉडकास्ट लगाए थे, हमारा पॉडकास्ट है, गए रास्ते में भाई, इतने में हमारा प्रोग्राम बढ़ गया। यानी कि खालू की तभी जिंदा कोई कराची वही जो होता है यार, यूट्यूबर यार बनना आसान नहीं है। आप लोग को यही बोलता हूँ मैं, एक यूट्यूबर को यानी कि मार दिया आपको पता है, वही जो सिक्योरिटी गार्ड ने, और यहाँ पे लूटा भी जा रहा है। जब हमारे साथ सीन होता है यूं भले दांत बांध के, अरे यार कैमरे में सब चले गए। हमने यार हमने पुलिस दोपहर में पॉडकास्ट किया आपके साथ, पॉडकास्ट बिल्कुल, फिर रात हमारी पॉडकास्ट में जा ही रहते हैं हम लोग पास, ये सीन हुआ है हम तो भाई ना मोबाइल हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हाँ। कैमरा लेंगे, कैमरा भी तकरीबन अगर आपको लेने जाओ 6D Mark II तकरीबन 1.5-3 लाख का कैमरा है। हाँ। जो उसकी सही सही। तो हमने चलो भाई कराची में रह रहे हैं, बिल्कुल क्या करें भाई, हमें भी यही जीना मरना है, अल्लाह मालिक है जो का देखेगा अपना काम को रोकेंगे, बस आप लोग को सपोर्ट करनी और अल्लाह ताला से दुआ यार कि सबको सही सलामत हो, सब अपना काम अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो अभी काफ़ी दिनों बाद दोबारा इंटरव्यू हो रहा है, काफ़ी दिन पहले हुआ था ना, सारा कुछ गया भाई, डेटा वेटा इनका ना उस कैमरे में था तो आया नहीं, अब ना दोबारा हो रहा है पॉडकास्ट, तो ये कब तक आएगा? इंशाल्लाह 2 दिन में तो आ ही जाएगा, परसों आ जाएगा ना। तो यार वही सवाल होंगे, दोबारा से जवाब देने उसके, ठीक है फिर आप लोग देखना बड़ा मजे का होने वाला है। अपना चैनल का दोबारा नाम बता दें, ठीक है। तो बस वेट करो यार, घर पर आएगा भाई इंटरव्यू देखिए, कल आएगा तो आप लोग कल देखना। हमारे घर में एसी तो है नहीं यार, और ये पंखा भी नहीं चलता, बिल इतने ज्यादा आ रहा है, पंखा कौन चलाए ना, एसी लग सकता कुछ भी नहीं। ये है हमारा एसी, तो इसमें मिलेगी ना हमें ठंडा। इंटरव्यू दे रहा था ना मैं, मेरी हालत देखते आप, पंखा नहीं चलता इंटरव्यू में, क्योंकि आवाज आती है पंखे की ना बिल्कुल बंद करके बनता है, मैं भी अपना व्लॉग बंद करके बनाता हूँ, पसीनों में मैं नहा रहा था। ये खुद गर्मी मर रहा है नीचे वाला, अरे ये है ना एसी तो अपना। ये क्या मिला? ओए, काम की चीज मिली है ना। ओए, क्यों गिर रही है? ये है सुकून, मतलब के आइस पॉप, इससे मिलेगी ठंडक। दिल कर रहा है अपने जिस्म पे लगा लो ठंडा ठंडा। मैंने शर्ट नहीं पहनी हुई, अबे शर्ट के बगैर ना मुझे पता ही नहीं है।
ये देखो हम सफाई के काम। चलो वैसे भी फार्म हाउस में भी तो नंगे नहा रहे थे ना, जब शर्म नहीं आ रही अब शर्म कैसे आएगी मेरे को। वैसे भी फैमिली ब्लॉगर को तो देख ही रहो ना, मतलब फैमिली ब्लॉगर नहीं हूँ, इनको भी गर्मी लग रही है बहुत हमसे भाई को ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनके साथ। मोबाइल का बल्ब भी बंद हो गया, जल ही नहीं रहा यार कैमरे का ना, इतनी गर्मी है। अब आपको मैं काला काला दिख रहा हूँ, कल भी हो रहा होगा, क्या करूँ मैं इस भाई, मार सकते नहीं है। हमसे भाई के साथ करना पड़ेगा कोई ना कोई प्रैंक। ये दिखा रहा हूँ मैं बीच की उंगली, अरे सॉरी यार, ये बहुत मेरे साथ कर रहे हैं कभी कुछ। कमेंट आते प्रैंक करो हमसे भाई के साथ, मुझे आइडिया नहीं है कौन सा प्रैंक करें, आप लोग कमेंट में बता दो बस। बचपन में मम्मा ये खाने नहीं देती थी, बोलती थी क्या होता था, मम्मा ये लॉलीपॉप क्यों खाने नहीं देती थी, आप ये लॉलीपॉप क्या आइस पॉप, बोलती नहीं खाने देती, क्या होता था इससे भाई शकरी ने गला खराब होता है। अब खा सकते हैं, अब क्यों खा लें, नहीं अब क्यों खा लें बताओ, बच्चे तो हो गए हो ना, अब गला खराब नहीं होगा, गला हो भी जाएगा नहीं भी होगा, चूसने में बड़ा मजा आता है। इनको भी समंदर में नहला देता हूँ भाई मैं, 1 2 3 जाओ नहाओ भाई, इंजॉय करो। कपड़े तो बहुत सारे यार लेकिन पहनने का दिल नहीं कर रहा मेरा, 24 घंटे घूम ले फिर पब्लिक के सामने रोड पर बताओ कल, और वो भी धूप के अंदर। 5000 सब्सक्राइबर करा दो फिर ऐसा करते हैं, कल में करा दो, अगर होगा तो फिर करेंगे ऐसा। ये मोबाइल आ चुका है न्यू डब्बा पैक, ये मेरा नहीं आया, ये मम्मा को ला के दिया पप्पा ने, पप्पा लेके आए सरप्राइज, हम देंगे, पप्पा ने बोला आप दे दो जाके, मम्मा को ही पता नहीं है। आयो आ जाओ, मम्मा जी मम्मा बैठे हैं, क्या हुआ बेटा, आपके लिए सरप्राइज है, बैठे अब आप बैठ जाए, आपके लिए इतना कुछ तो कर लिया, बैठ उठ भी नहीं सकते, आराम कर रही है। क्या लाए हो, क्या होगा, कोई सूट वगैरह होगा, सूट आ तो मैं सूट दिख रहा है आपको, चले ले लें आप, ये लें अपना सरप्राइज। मम्मा के पैसों का ही तो मम्मा ने पप्पा ने दिलाया था, अब क्या करें, क्या करें, मुझे नहीं चाहिए, सोने दो मेरे को। अरे अच्छा, ये Vivo S1 मम्मा जी, ये ले आपके लिए, मोबाइल ही है ना इसमें कुछ, हाँ नहीं नहीं मोबाइल आप खुल के चेक करिएगा, किसने दिया ये तो पूछना है आप, किसने दिया है बेटा, ये मैंने नहीं दिया, किसने दिया होगा, पप्पा ने, पप्पा लाए मम्मा आपके लिए, ये सरप्राइज। जी जी बोल रही थी ना कब से कि मोबाइल चाहिए, तो क्या हुआ फिर, पप्पा ने क्या करा अचानक से, आपको बताया था, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, पप्पा अचानक गए मार्केट, हमें भी नहीं पता था, पप्पा बोले अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ा घूम फिर के ना, मोबाइल पसंद कर लियो लेके भी आगे चेक करो, ओए न्यू फ्रेश मोबाइल, मैं तो मजाक समझ रही थी कि शायद डब्बे में कुछ अच्छा, भाई साहब ये देखो यार, इससे व्लॉगिंग करें अपन, मम्मा को कैसा लगा ये, बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल, पप्पा को बोले थैंक यू, मेरे को नहीं, पहले तो मम्मा इसके पैसे वैसे देख रही है, कहीं मम्मा बोल रही हो कहीं इतना महंगा तो लेके नहीं आया, पप्पा भाई लेके आ गए भाई, आपकी मोहब्बत में लेके आया, सरप्राइज दिया, खुश कराया बेगम मम्मा, यानी कि आप पैसे तो छोड़ो, पप्पा बस लेके आ गए आपके लिए, ये दोबारा पैक क्यों कर दिया आपने, मोबाइल इसमें डाल दिया, कितनी भोली मम्मा है, अरे अब तो आपको ही हो गया ना ये 16 थोड़े हो, इतना छुपा रहे हो, ये वाला बल्ब मैं अपने मोबाइल में लगा लूंगा, मेरे मोबाइल की लाइट नहीं जल रही, ये चार्जिंग हो रही है, भाई नया मोबाइल है बिल्कुल चलता हुआ, कहीं आप समझोगे खराब है या डमी है। नहा धो के कपड़े चेंज करें यार, ये कपड़े ठीक है भाई, वरना तो गर्मी लग रही है मेरे को बहुत ना, तो चलो यार व्लॉग को बस मैं एंड कर रहा हूँ, आज का जो मेरा इंटरव्यू है ना वो इतने मजे का नहीं हुआ, जो मैंने आज किया है ना, जो मैंने पहले किया था ना वो सारा यार डिलीट हो गया, यानी कि वो डकैतों के बाद चल गया कैमरा, वो बड़े मजे का इंटरव्यू होता यार, मेरे को पसंद नहीं है, आप लोग कोशिश करना कल या परसों आ जाएगा वाला, तो इस व्लॉग को बस एंड करते हैं, व्लॉग को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।